उधर मोका विच चोन रैली दौरान पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के चोन मैनीफेस्टो विच शामिल कई वादे दोहराए और उन्होंने पूरा करने का दावा भी किया। हमेशा पिछले समय तो मोगा विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोन सभावां नूं संबोधन करदे होए किसानां दी दुर्दशा दे लई मौजूदा सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज तो परेशान होके खुदकुशी कर रहा है। पंजाब कांग्रेस प्रधान ने दावा किया कि सूबे दे विच उन्हां दी सरकार बनी तां किसानां दे कर्ज दी पाई पाई अदा करनगे। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੱਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਖੀ ਪੇਂਡੂ ਦੇਖੀ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5 ਏਕੜ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। सुखबीर बादल पंजाब नूं बिजली सरप्लस वाला सूबा दसदे ने, जदकि कैप्टन दा इल्जाम है कि देश भर दे विच सब तो ज्यादा महंगी बिजली पंजाब विच दित्ती जा रही है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनन ते सब नूं 5 रुपए प्रति यूनिट नाल सस्ती बिजली मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा इल्जाम है कि सूबे च पेट्रोल भी होरना सूबिया तो ज्यादा महंगा है, पर कांग्रेस की सरकार बनन ते उसनू होरना सूबिया च लागू कीमत दे बराबर ही लिया जाएगा। मोगा तो पंकज कपाही दे नाल न्यूज डेस्क रिपोर्ट सी मीडिया।